जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाहब्दी, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी गुलबर्गा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद गुलबर्गा के अवाम को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से राशन किट जो लेबर कार्ड होल्डर के लिए आए थे, वो राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा करप्शन हुआ सो है और उसका मिसयूज हुआ सो है। इन्वेस्टिगेशन इसलिए हुआ क्योंकि कई दूसरे एरिए से लेबर कार्ड होल्डर्स हम लोगों के पास अप्रोच किए, अप्रोच करके अपने लेबर कार्ड जमा करे। जब हम ये लेबर कार्ड ले जाकर वहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट में चेक करें तो ये लेबर कार्ड के ऊपर अभी तक राशन किट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। और ये भी देखा गया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप राशन कार्ड को राशन किट को डिस्ट्रीब्यूट करो, जो हकदार है वो हकदार को डिस्ट्रीब्यूट करना। पर ये नज़र आ रहा कि यहाँ पे एक पॉलिटिक्स, एक सियासत चल रही राशन किट के ऊपर। ये सियासत अब आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं वो लोगों को आप राशन किट हैंडओवर कर रहे हैं और वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखा नहीं जा रहा कि हकदार को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या ना हकदार को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। एज पर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हमारे पास जो लेबर कार्ड आए हुए हैं, 100 अबव लेबर कार्ड है, जिसमें मोमिनपुरा, नया मोहल्ला, लालगिरी, गुलबर्गा किला, ये कई दूसरे एरिए के लेबर कार्ड होल्डर आए हुए हैं। जब हम ये चीज़ रब्ता करने के लिए लेबर ऑफिस को गए तो वहाँ पे ये मालूम पड़ा कि फूड राशन किट अब अवेलेबल, स्टॉक अवेलेबल नहीं है। जबकि ये भी मालूम हुआ कि जितने लेबर कार्ड है उतने राशन किट गुलबर्गे में है। इससे ये मालूम पड़ता है कि ना हकदार को राशन किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसलिए हम हुकूमत से, लेबर कमिश्नर से और DC से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए और हम आम आदमी पार्टी के सारे वर्कर्स और जो लेबर्स है वो लेबर्स को लेकर कल हम लेबर ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर ये मेमोरेंडम सबमिट करेंगे और जितने भी लोग छूटे हुए हैं वो लोगों को राशन किट मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आप गुलबर्गे के आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो गंदी सियासत चलती है, जो राशन किट हुकूमत की तरफ से जो किट्स आते हैं इनके ऊपर जो गंदी सियासत हो रही, ये चीज़ों को आप समझो, आपको देखना चाहिए ये चीज़ों को। हकदार के लिए जो चीज़ आती है वो ना हकदार को पहुंच रही। इसलिए हम तमाम गुलबर्गे के लोगों को हक दिलाने का काम करना है और हक वालों का साथ देना है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ दीजिए और अपने अपने महलों से आप ये आवाज़ रेज कीजिए कि जो हकदार है वो हकदार को ही हक मिलना चाहिए। जय हिंद साथियों, सिराज शाब्दी। जय हिंद साथियों, मैं मोहसिन खान, गुलबर्गा नॉर्थ प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी गुलबर्गा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जो एक हुकूमत ने राशन किट जो डिस्ट्रीब्यूशन करना था यहाँ पर, जो भी लेबर कार्ड है जिसके पास, तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट एंड फूड डिपार्टमेंट की थी। तो फूड डिपार्टमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है यहाँ के MLA रिप्रेजेंटेटिव और हमारे इलेक्टेड MLA जो है उनको यहाँ पर एक 5000 साउथ एंड नॉर्थ MLA को यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ के MLA को ये जिम्मेदारी थी कि जो लेबर कार्ड का हकदार है और जो जिस वैलिड है, जिसके पास डॉक्यूमेंट वैलिड है और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, इनका काम था कि सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। मगर यहाँ पर जब हमारे पास कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हुए कि जो लेबर, जिसके पास लेबर कार्ड है, उनको बहुत सारे लेबर कार्ड वाले उनको राशन किट मिली ही नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर करप्शन हुआ है। करप्शन ये हुआ है कि जो भी यहाँ के इलेक्टेड MLA है वो अपने जो एस्पिरेंट है, इलेक्शन में लड़ने के लिए एस्पिरेंट है, वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया है 100-100 के हिसाब से कुछ मालूम हो रहा है। तो वहाँ पर देखा गया है कि वो भी लेबर जो है हकदार, जो जिसके पास लेबर कार्ड है और जो लेबर है उनको नहीं पहुंचा है, वो अपने ही बंदों को, अपने ही वर्कर्स को और अपने ही खास लोग को वो किट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर एविडेंस और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इतने लेबर कार्ड के हमारे पास डॉक्यूमेंट आए, बहुत सारे कॉल्स हैं अलग अलग वार्ड से और हमारे जो एस्पिरेंट है वहाँ के इंफॉर्मेशन से कि बहुत सारे लेबर्स को किट मिली नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें करप्शन हुआ है, हमें पता है कि इसमें करप्शन हुआ है। हम यहाँ पर जो भी हमारे गवर्नमेंट के इंचार्ज है, हम उनको यही मांग करते हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और यहाँ पर कौन करप्शन किया है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। और आम आदमी पार्टी गुलबर्गा टीम कल डिपार्टमेंट के बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी टीम के साथ, हमारे पूरे वॉलंटियर यूथ टीम के साथ हम प्रोटेस्ट करेंगे और इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम मांग करेंगे।